जानबूझ के रिश्ते से इनकार करवाया है ना, ये आप ही की प्लानिंग थी, सब जानती हूँ मैं। तुम्हें जितना दिखाया जा रहा है तुम सिर्फ उतना देख रही हो। जिस दिन तुम्हारा जमीर जागेगा ना, सब कुछ तुम पर आया हो जाएगा। असली चेहरा तो सामने आ ही चुका है, अपनी ही बेटी की दुश्मन बनी हुई है, कैसे कर लेती हैं आप ये? दुश्मन नहीं हूं मैं रमन, इसीलिए आंखें बंद करके तुम्हें जहन्नुम में धक्का नहीं दे सकती। वो अलग बात है कि तुम जिद लगाए बैठी हो और अपनी मर्जी थोप के आप मुझे जन्नत दिलवाएंगी, है ना? प्लीज मुझसे बहस मत करो। वैसे एक बात बताएं, अगर मेरी जगह उम्मीद होती तब भी आप यही करती? हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उम्मीद नीलम की बहू बनना नहीं चाहेगी। तुम्हारी तरफ बेवकूफ नहीं है वो कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करे। जानती हो तुम, मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार हैं ये लोग, तुम्हारी दादी, तुम्हारी पुप्पू, ये नीलम। झूठ बोल रही हैं आप। कोमल खाला की मौत उम्मीद की वजह से हुई थी, उम्मीद को पैदा करते ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, गलत बताया है तुम्हारी दादी ने तुम्हें। हकीकत यह है कि मेरी आपी को सीढ़ियों से गिराया गया था और ये बात मैंने उम्मीद तक को नहीं बताई। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी औलाद बड़ों की इज्जत करे, और देखो क्या सिला मिला मुझे, मेरी अपनी ही बेटी मेरे खिलाफ हो गई। गलत, उम्मीद को मुझसे ज्यादा प्यार करके मुझे अपने खिलाफ किया आपने, समझिए। और नीलम आंटी से बहुत नफरत करती है ना, है ना? मैं आपको चैलेंज करती हूँ, उन्हीं की बहू आपको बन के दिखाऊंगी। रोक सकती है तो रोक लीजिएगा आप। रोक, ये क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? तुम्हें क्या होता जा रहा है मारो? अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है जवान बच्ची पर ऐसे हाथ उठाए जाए।